अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, क्या हाल हैं, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जी हाँ, मैं कमिश्री आई हुई हूँ और यहाँ मैं अंदर कुछ चीज़ें परचेज कर रही थी तो देखा भाई मौसम बहुत अच्छा था और अचानक से मौसम धूप से बादल और बादल से हवा और काली घटाएं छाने लगी, तो मैंने कहा चले मैं जाके ज़रा व्यू कैप्चर करती हूँ। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत व्यू है और कितना खूबसूरत मौसम बन चुका है। बहुत खूबसूरत हवा चल रही है, अचानक से हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो रही है और लग रहा है कि अभी खूब बरसेंगे ये बादल। और देखें, देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, तूफ़ानी बारिश हुई, खूब जम के बरस रहा है अबरे करम, बट बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश है। और हम लोग बाइक पे आए हुए हैं तो हमें घर भी जाना है जल्दी, तो अफ्तारी का टाइम होने वाला है। फिर आगे आपको पता है कि चांद रात है, चांद रात को भी खूब सारा बच्चों को तो इंतज़ार रहता है कि हम खूब हल्ला गुल्ला करें, घूमें फिरें, मेहंदियाँ चूड़ियाँ ये वो सब कुछ बाज़ार में गहमा गहमी देखने के लिए वो बेचैन बैठे हुए हैं। बट हम लोग यहाँ पे आके कैद हो गए, तो मेरा तो पूरा इरादा बन रहा था कि हम बारिश में निकलें, मुझे बारिश, बट देखते हैं, चलें देखते हैं और इसके बाद मिलते हैं अफ्तारी के बाद नॉर्मल रूटीन में कि क्या करते हैं और सबसे पहले कहाँ जाते हैं और क्या तैयारी करते हैं। चलें जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद और देखते हैं कहाँ चलते हैं। वेलकम बैक, फाइनली चांद रात मुबारक। तो जी हाँ, मैं पहुँच गई हूँ पार्लर में, तो चलें आप भी हमारे साथ। जी हाँ, फाइनली मेरी कटिंग हो चुकी है और आप बता सकते हैं कि कैसी लग रही है। काफ़ी लेंथी थे मेरे बाल और जो कि मैंने उड़ा दिए हैं सारे, तो बाकी आईब्रोज वगैरह मैंने बनवाए हैं और बाकी सर्विसेज ले नहीं थी, मगर उन्होंने कहा टाइम काफ़ी हो गया, एक डेढ़ बजे तो हम यहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने कहा कि आप बाद में आपको ये डील मिल जाएगी। माम की भी कटिंग मैंने करवा ली और अब हम चलते हैं खुतबा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चांद रात मुबारक हो, और देख सकते हैं कि आज तो खुतबा में भी खूब रौनक लगी हुई है माशाल्लाह से, और सभी लोग जाग रहे हैं तकरीबन और आए हुए हैं। कुछ लोग वैसे इंजॉय करने और कुछ लोग खरीदो फरोख्त करने, सब लोग निकले हुए हैं अपनी शॉपिंग के लिए। लास्ट डे भी देखें, औरतें बाल्टियाँ और बर्तन उठा के फेर रही हैं, उनको जहाँ बर्तन नज़र आते हैं ना वो बर्तन लेना शुरू हो जाते हैं। कार से मर्दों को दाव लगा के आती हैं कि चूड़ियाँ लेने जाना है, मेहंदी लेने जाना है, और लास्ट नाइट भी बाल्टियाँ और क्या कुछ गिलास मेरी तरह उठा के फेर रही हैं, हमें वही लेने हैं। ये देखेंगे, अच्छा खासा रश है, हमने तो सोचा था कि लोग सो गए होंगे अभी। कराची वालों, लाहौर वालों, देख लो कामरा वाले भी जिंदा दिल हैं, जागते हैं ये लोग भी, इनको भी नींद नहीं आती चांद रात को। सबसे जो अच्छी बात है ना यहाँ की वो है माहौल की। अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह से यहाँ पे ये है कि ये चोरी डकैती और कोई ऐसा वारदात या कोई वाकया होने का डर नहीं है, ये सबसे बेस्ट है, पुरसकून है, बंदा रिलैक्स हो के, मतलब कि मेंटली तौर पे बंदा इस बात के लिए वो नहीं होता कि जी टेंस हो के बंदा कि कुछ हो सकता है, जस्ट ये भी हो सकता है कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी, बट अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक यहाँ पे ये चीज़ रिलैक्स चल रही है। और आगे भी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हर जगह पे सकून और अमन सकून ले के आए और पूरे पाकिस्तान में अमन हो, पूरे पाकिस्तान में अमन हो, और कराची तो कराची है फिर लाहौर लाहौर है, घूमने का मज़ा आना चाहिए वहाँ पे भी। इसी डर से मोबाइल लेके बंदा बाहर नहीं निकल सकता, वहाँ तो फौरन ही मोबाइल छिन जाते हैं। माशाल्लाह देखें जी, मिट्टी के बर्तन, मैं वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखें चूड़ियों स्टॉल लगे हुए हैं,
क्या पिक्चर आएगी। कोई बता नहीं, मुझे गिफ्ट कर दो गिफ्ट। जी हाँ, तो YouTube फैमिली ये तो थी मेरी कुछ चांद रात की रूटीन शॉपिंग और आज जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और माशाल्लाह से कामरा वाले ज़िंदा दिल हैं। देखें तो आज माशाल्लाह से कैसी चांद रात मना रहे हैं। तो सुबह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ मैं ईद की भी रूटीन शेयर कर सकूँ। और गांव जाना था तो गांव नहीं जा सके क्योंकि लिमिटेड टाइम था और उसमें वापस आना और आना जाना लंबा सफ़र था तो मुश्किल हो जाता है। मेरी तरफ़ से तमाम लोगों को ईद मुबारक एडवांस में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना रखें ख्याल, दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।